राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ये पास्ता बन रहा है। ऐसे तो सेजल अच्छा बनाती है, लेकिन सेजल सो रही थी, उसका पेपर नहीं था आज, तो इसलिए सो रही। बाबू और यहाँ पे कूलर में पानी इतना फैल गया आज, पता नहीं कैसे, थोड़ा सा वो घास निकली रही होगी। सेजल देखो, पट्टे सेजल को कैसे दौड़ते हैं खाने के लिए। ये सेजल की उंगली है रिद्धि की, सेजल पे दौड़ रहा, लटक क्या रहा है देखो। मेरी भी नहीं खा रही, मम्मी की चाट रहा, मेरी भी चाट रहा। सेजल की चाट लो, सेजल चटवा चटवा उंगली, एकदम चबा ही ले अगर पाए। और देखो ये काट तो लिया बेचारा, खून निकल रहा है, मम्मी की चाट रहा। लो अब पोटा पाटी कर रहा है। हाँ पोटा पाटी, लेकिन तेज थोड़ी ना काटा रखा। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है वो? डांस, ये तो डांस कर रहा है। सेजल पे कितना झपट के दौड़ता है, एकदम गुस्सा आ जाता है सेजल से। अगर सेल पकड़ा दे तो खून ही निकाल ले। देखो कैसे, कहाँ कहाँ पे निकालो। अरे रुको, किसी दिन सो जाने दो, फिर वापस किसी दिन सो जाने दो, फिर अरे बहुत छोटी चीज में। मम्मी देखो, मम्मी किसी दिन इसको सो जाने। दादी दादी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सुबह नहाना धोना हो गया और आज झाड़ू लगवाई सेजल से। आज सेजल को जाना नहीं था, इसलिए झाड़ू पोछा करवाया। और उसके बाद में आज जो है बादल थे, बादल के पीछे सेजल को बहुत अच्छा लगता है। बादल और बारिश, हल्की सी बारिश हुई, आंधी आई हल्की सी, उसके बाद में फिर बंद हो गई, अब नहीं हो रही है। और हमारा जो है वाश बेसिन साफ हो गया, उसको साफ करने के बाद में बाथरूम को हल्का हल्का सा साफ करते हैं। उसके बाद में बाल पे पानी जरूर डालते हैं, बाल पे पानी जरूर डालना चाहिए, क्योंकि शरीर पूरा ठंडा हो जाता है और हमारा सर गर्म हो जाता है, तो ऊपर से पानी डालना चाहिए। यहाँ से पानी डालें तो फिर बाद में नहाएं, जैसे पैर पहले पैर पे पानी ना डालें, पहले सर पे पानी डालें उसके बाद में नहाएं तो अच्छा रहता है, जैसे मन प्रसन्न रहेगा और शरीर जो है एकदम जैसे ठंडा रहेगा, तो गर्मी नहीं होगी। जैसे गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो हमेशा ही नहाएं, तो पहले बालों पर पानी डालें उसके बाद ही नहाएं। और झाड़ू पोछा और उसके बाद में वो बाथरूम और वाश बेसिन सारा कुछ हो गया है। उसके बाद में सब्जी भी बन गई, अभी दाल चढ़ाएंगे, दाल चावल और आटा गुथा रखा, रोटी बनाएंगे। आज भूसा लेने गए थे गांव से, और गेहूं वो भी सारा आ रहा होगा, अभी आ जाएंगे, तो इसलिए खाना बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि वो 5 बजे चले हैं, 5 बजे से पहले चले होंगे। और भूसा वूसा भरवाया, जो भी काम रहेगा गया होगा, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद में खाना बना रहे हैं, खाना चाय वाय ज़्यादा नहीं पीते हैं, पहले तो कभी बिल्कुल नहीं पीते थे सेजल पापा, लेकिन अब थोड़ा बहुत पीने लगे, तो फिर खाना तैयार हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद में फिर देखते हैं कि क्या करना है। अभी आकांक्षा नहीं आई, कल कोई था भी नहीं, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं, थोड़े से बर्तन निकले हैं, आकांक्षा आई नहीं। कल शाम को मस्ती हुई, कल खाना नहीं बनाया, ऐसे ही थोड़ा बहुत नाश्ता पानी और समोसे मंगाए थे, ये सब खाया पिया, वही सब हुआ। उसके बाद में कुछ नहीं बनाया, आराम से सब मस्ती बस करते रहे, और तभी जा रहे हैं, अभी जल्दी खाना बना लेंगे। तो आज सुबह का रूटीन शेयर करेंगे कि कैसे क्या करते हैं, कितने टाइम करते हैं। अभी डस्टिंग थोड़ी सी करनी है, डस्टिंग नहीं की थी, झाड़ू लगाने के बाद में फिर वो हो जाता है। एक तो हमारे यहाँ सीमेंट है, हम आप लोगों को दिखाएंगे, दिखा नहीं पाए, सीमेंट जो है काम सीमेंट का होता है, तो सीमेंट बोरी नीचे डाली जाती, तो ऊपर जो है एकदम पूरी सीमेंट सीमेंट हो जाती है। तो सुबह
सुबह नाश्ता वास्ता बना के बच्चों को भेज दिया, उसके बाद में खाना पीना हुआ। और देखो ये सीमेंट हमारे, ये बच्चे जाते हैं ले जाते हैं पैरों से, यहाँ पे सीमेंट रखे तो पैरों से ये ऊपर इतनी ज़्यादा जाती है, इतनी ज़्यादा गंदगी ऊपर तक फैल जाती है। और खाना पीना हो चुका था, लेट हो गए थे ना, डेढ़ बज गया था ये इनको आने में। ये सब देखो टीवी देख रहे हैं। और तो फिर हम लोगों ने खा लिया था, तो जो सामान लेके आए तो ये भूसा और थोड़ा बहुत गेहूँ लाए होंगे तो वो अभी नहीं खाए। और उसके बाद में यहाँ पर बना रहे हैं सब्जी, क्लिप इधर उधर हो गया, यहाँ पर खाना बन रहा है। अभी दाल चढ़ा देंगे और सब्जी, तो सब्जी बन गई है, दाल चढ़ा देंगे, चावल चढ़ा देंगे, रोटी सेक लेंगे। और हमारे यहाँ किचन में ना इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं, अगर थोड़ी देर अगर चावल और रोटी बहुत मुश्किल से बचाना पड़ता है, चावल रोटी बहुत जल्दी वो कर देते हैं, उसमें चींटियाँ घुस जाती हैं, फिर वो खाने लायक नहीं रहता है। तो यहाँ पे आटा गूँथ चुका है, गूँथ के रख दिया था, अगर आटा 10 मिनट पहले गूँथ के रख दो तो अच्छा रहता है, और वो उससे रोटियाँ ना सॉफ्ट बनती हैं, अच्छा हो जाता है, उसको ज़्यादा गूँथना भी नहीं पड़ता, रोटियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो इसलिए आटा गूँथ के रख दिया है, चावल साफ़ कर लेंगे, चावल एकदम साफ़ है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन हाथ घुमाना है तो हाथ घुमा देंगे और इसके बाद में चावल चढ़ा देंगे। और काम तो हो ही जाता है सुबह सुबह में, लेकिन ये है कि झाड़ू पोछा और ये सब नहीं दिखा पाते। तो सबसे पहले तो झाड़ू होती है, पोछा होता है, अगर टाइम रहा, अगर पहले हो गया, पहले नहा लिया और झाड़ू पोछा हो गया बच्चों के जाने से तो तब तो अच्छा रहता है, अगर नहीं नहा पाया और बच्चों को भेजना पड़ा तो। ये हमारा काला गेहूँ है, इतना ही बचा है, इसको आज धुलाई कर लिया, काला वाला गेहूँ जो है इसकी रोटी खाते नहीं है मन से, लेकिन गेहूँ हो गया था ख़त्म, ये हमारा चल रहा है भजन, गेहूँ ख़त्म हो गया था इसलिए फिर दो तीन दिन के लिए ये करना पड़ेगा। गेहूँ तो आ गया है लेकिन अभी जब तक धुलाई होगी सूखेगा। और सोनू ने कहा हम पोछा लगा दें, आप रहने दो, तो हमने कहा चलो लगा दो, तो कपड़े वपड़े रखना है तो कपड़े रख देंगे। और आकांक्षा भी आ गई थी तो रोटी सिक गई है, चावल भी, इसको पानी में रख दिया थोड़ा सा रोटी जो है, और उसके बाद में भी देखा था रोटी कुकर जो है हल्का सा टेढ़ा हो गया और दो तीन चींटियाँ चढ़ने लगी थी, फिर जाके फिर दोबारा से रोटी रखी और कुकर में वो, और कुकर भी पानी में रखा, नहीं तो चींटियाँ हो जाती, सब्जी और दाल में नहीं होती हैं, रोटी और चावल में हो जाती हैं। तो खाना पीना हो गया, उसके बाद में हम सोच रहे थे किचन साफ़ करें, जब तक ये लोग आएंगे तब तक किचन विचन साफ हो जाएगा, उसके बाद में खाना बाद में परोस देंगे। हमने, भोले ने, सोनू ने, बच्चों ने, सब ने खा लिया है, बच्चे भी आ गए स्कूल से, तो इसके बाद में किचन साफ़ हो जाएगा। और इन लोगों की 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन 1 बजे तक आ पाते हैं, टाइम लग जाता है लाने में। तो किचन जो है स्लैब जो डेली है, इसको जो जूना बर्तन धोने वाला जूना होता है इससे हम डेली मांजते हैं, उसके बाद में कपड़ा भिगो भिगो के और इसको साफ़ करते हैं 2-3-4 बार, तब जाके किचन साफ़ होता है अच्छे से। और ये गैस को पहले ही, गैस इंडक्शन पहले ही साफ़ कर लिया, अब किचन साफ़ होगा। ये देखो ये लोग बैठ गए हैं, सब आ गए, बाबू जा रहा है पानी लेके, पापा आ गए हैं तो बाबा पापा के लिए पानी लेके जा रहा है, वहाँ ठंडा लगता है ना नीचे बेसमेंट में, और ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये भूसा आ गया और सोनू अपनी बातें बता रहे हैं बैठे। तो सुबह का यही रूटीन है, किसी दिन पूरा शेयर करेंगे कैसे कैसे करते हैं क्या करते हैं, और इतना ही शेयर किया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब